हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग एकेडमी पे हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि काफी विद्यार्थियों की डिमांड थी सर, चित्रकला का आपने पार्ट नंबर 2 पढ़ा दिया, आगे वाले लेसन कब पढ़ा रहे हो, तो मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं एग्जाम से पहले पहले आपका सारा सिलेबस करवा दूंगा, तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहे और अच्छे से तैयारी करें। और अब बात करते हैं, तो आज अपन पार्ट नंबर 4 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे आप पास हो सको, वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर 2, 4, 7, इन तीन पार्ट को मैं पहले कराऊंगा, क्योंकि इनसे आप छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आप उनसे पास हो सकते हो। तो चलो साथियों, अब स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी अपनी नोटबुक निकालें और पेन निकालें, उसके अकॉर्डिंग अच्छी सी तैयारी करें और अच्छे से नोट करें। तो पहला प्रश्न था, भारत में फर्श पर बनाई जाने वाली सजावट का वर्णन कीजिए। यानी भारत है, यहाँ पे जो फर्श है उस पर बनाई जाने वाली डिजाइन के बारे में बात करें, तो इनको आप अच्छे से इनको देखो कि भाई भारत में फर्श पे बनाए जाने वाले डिजाइन है उनकी बात करें, तो जो रंगोली होती है तक कॉलम पेंटिंग, रंगोली और कॉलम पेंटिंग है वो यहाँ भारत में फर्श पे बनाई जाती है। फिर बात करें तो साथ दूसरा प्रश्न ये है, कॉलम पेंटिंग में प्रयुक्त की जाने वाली बनावटी और आकृति कौन सी होती है? वो होती है ज्यामिति फलाकार की होती है, तो ज्यामिति आकार की कॉलम पेंटिंग में बनी हुई आकृति होती है। फिर बात करते हैं कॉलम पेंटिंग के तरीकों को संक्षेप में लिखिए। जो सतह होता है, सतह को गीला करना, मोटे चावलों के पाउडर को रंगों के साथ मिश्रण करके पृथ्वी पर बनी हुई आकृति को रंग से भरते रहना, ये क्या कॉलम पेंटिंग के तरीके हैं। फिर बात करते हैं तो कॉलम पेंटिंग में किन किन वस्तुओं की चर्चा की जाती है? तो साथियों अब बता दूं, कॉलम पेंटिंग है उनमें किन किन की चर्चाएं की जाती है। कॉलम में क्या होता है, जिसे बात करें तो मटके, घड़े, लैंप और नारियल के पेड़, इन्हें क्या है पृथ्वी पर बनी हुई आकृति हैं। जैसे मान लो कि मटके हैं, घड़े हैं, लैंप और नारियल के पेड़, ये कॉलम पेंटिंग के वस्तुओं के रूप में। फिर बात करते हैं आगे दोस्तों, फुलकारी का अर्थ क्या होता है, यानी जो फूलों का काम करते हैं उन्हें फुलकारी कहते हैं, और फुलकारी में कौन से सामग्री का प्रयोग किया जाता है? कपड़े और चमकीले रेशम में उसका प्रयोग किया जाता है। इससे इस कढ़ाई में काम में किस रंग का होता है, यानी फुलकारी कढ़ाई में किस रंग का प्रधानता रहती है? वो होती है सर्विनम, सुनहरा रंग उनका प्रधानता रहती है। फिर बात करते हैं फुलकारी का नमूना कैसे उभरा, समतल तथा खड़े हुए टांके और सिलाई कढ़ाई से। फिर बात करते हैं 4.3 के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंदा का प्रारूप प्रेरणा को क्या स्रोत है? ग्रामीण प्राकृतियों में चित्र, क्रमकांड और मंडाल नृत्य जीवन के उपयोग के आसपास वस्तुओं को ग्रामीण त्योहार के सरकम तथा ऐतिहासिक ख्याति व्यक्त की गई है। फिर बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न है, वो आप देख लेना, जैसे बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको मिल जाएगा। उन उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें पर कंथा की कढ़ाई की जाती है, यानी रजाई है उस पर कढ़ाई की जाती है, शादी की चटाई, थैले वगैरह, इन पे क्या है इनकी कढ़ाई की जा सकती है, थैलों पे देखते हो आप। फिर बात करते हैं साथियों, दूसरा प्रश्न अगला है, 2 पंक्तियों की कंथा साड़ी का वर्णन कीजिए। श्रृंखलाबद्ध टांके तथा सफेद, हरी, बैंगनी, लाल, भूरा, पीला और तथा काले आकार के घोड़े, राजा, चिड़ियां तथा मधुमक्खियां इत्यादि, ये क्या 2 पंक्ति की कंथा साड़ी का वर्णन किया गया है? तो कंथा का किस लोक कला से प्रेरणा मिली है? वो काली घाटी से क्या इन्हें प्रेरणा मिली है। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी चीज की अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा WhatsApp ग्रुप है, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगी, और सारे क्वेश्चन जितने भी मोस्ट क्वेश्चन आते हैं उनकी PDF आपको वहां से प्राप्त कर सकते हो और उनकी अच्छी तैयारी कर सकते हो। फिर बात करते हैं लोक कला क्या है, एक कला ग्रामीण समाज में किस प्रकार से सहायता पहुंचाती है? तो लोक कला का ये बड़ा क्वेश्चन है साथियों, आप इनको अच्छे से देखें और इनकी अच्छी तैयारी करें, तो इसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। फिर बात करें साथियों, ये भी अगला भी क्वेश्चन बहुत बड़ा, किसी एक फर्श की सजावट करने वाली लोक कला शैली का वर्णन कीजिए। तो इनको साथियों आपको पढ़ना है, बाकी करना कुछ नहीं, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ा हुआ तो दिमाग में रहेगा। तो ये बड़े क्वेश्चन है, तो मैंने बता दिया पहले कि इनसे बड़े आने की संभावना बहुत कम है, तो एक बार इनको देख ले ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा लेसन। फिर बात करते हैं जो परीक्षा के उपयोग में आने वाले क्वेश्चन है उनकी बारे में बात करते हैं। क्रमकांड की लोक कला के 3 उदाहरण है, पटचित्र, पिछवाई, अल्पना कोलम। फिर व्यक्तित्व है, लोक कला का उद्भव के पीछे का कारण क्या है? पारंपरिक लोक कला के साथ नवीन प्रयोग करना। फिर व्यक्तित्व लोक कला के 3 उदाहरण दीजिए, मधुबन चित्रकला, कंथा कला और काली घाटी पटचित्र। फिर उपयोगवाद की लोक कला के 2 उदाहरण दीजिए,
सूटों की कढ़ाई, डोलिया बनाना लकड़ी और निकास आदि। फिर मधुबनी मधुबनी चित्रकला के संबंध किस बिहार से था। फिर बात करते हैं कंथा कला की, कालीघाटी पटचित्र के संबंध में किस राज्य से है, वो बंगाल से है। बंगाल भारत में किस भाग में पोंगल है, जो सॉरी पोंगल भारत के किस भाग में मनाया जाता है, यानी ये है जो दक्षिण भारत केरल है तमिलनाडु वहां मनाया जाता है। फिर बात करते हैं कोल्लम को किसका प्रतीक माना जाता है, भाग्य और समुद्री का। फुलकारी से संबंध भारत में किस राज्य से हुआ, पंजाब से। फुलकारी किस पर बनाई जाती है, कपड़ों पर। फुलकारी कला किसकी आकृतियां बनाई जाती है, सितारों एवं फूलों की। फिर बात करते हैं किसी लोक कला में कपड़ों की आकृतियां बनाई जाती है, काले धागे की सहायता से बनाई जाती है। फिर बात करते हैं साथियों किसी आकृति को बनाने में चावल के मोटे आटे का प्रयोग किया जाता है, वो कोलम बनाने में, कोलम पेंटिंग उसको बनाने में किया जाता है। कंथा कढ़ाई की मुख्यतः किस पर की जाती है, पुरानी धोती साड़ियों पे। साथियों आपसे मैं पुनः बता दूं, अगर इन्हीं की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उनमें आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको एक बात और बता दूं, 10वीं 12वीं के सभी सब्जेक्ट्स हैं जो हमने स्टार्ट कर रखे हैं। मैंने आपको एक दस आपने एक मुहिम छेड़ी थी कि प्रमोट वाली, तब मैंने आपको उसी समय बोला कि आप मेरे साथ बने रहे ताकि मैं आपको प्रमोट कराऊंगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ने साथ नहीं दिया, इसकी वजह से हम उस आंदोलन को आगे तक नहीं लेके गए। और फिर भी मैंने बोला था कि आप कंटिन्यू बने रहे, जब भी एग्जाम होगा तब एग्जाम की कोई सूचना है, किसी प्रकार कोई सूचना है तो मैं आपको सबसे पहले दूंगा और मैं पूरी हेल्प करूंगा। तो आज उसी मुहिम में मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ, पूरी अच्छे से अच्छी क्लासें करा रहा हूँ, तो कंटिन्यू आप इनको देखते रहें और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जरूर जुड़े। फुलकारी को बनाने के लिए किसी प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है, सुनहरे पीले और गेहूं तथा सुनहरे सफेद रजत रंग के धागों का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों अपन ने ये क्वेश्चन पढ़े, अब मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपको एक बात बता दूं साथियों, ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे तो आपको वो अच्छे अंक दिला सकते हैं, आपको पास कराने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको साथियों एक बात बता दूं, कौन से पार्ट पढ़ने हैं। चित्रकला में 2 नंबर पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, 4 नंबर मैंने पार्ट पढ़ा दिया, आज 7 नंबर पार्ट मैं आगे की वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। ये साथियों ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेसन आपके चित्रकला में 80 से 90 के बीच आपको कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स को अंक दिलाएगा। और साथियों एक बात विशेष याद रख लेना, जिस दिन आपके एग्जाम हो उस दिन मुझे याद रख लेना, मैंने बोला है चित्रकला में मैं किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं होने दूंगा, आप वो टेंशन ना ले चित्रकला की। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे और हमारे YouTube चैनल के साथ अच्छी से अच्छी तैयारी करें। अगर कोई डाउट्स कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। साथियों आपको घबराने की कोई चिंता की बात नहीं, अब आपके साथ संस्कार कोचिंग एकेडमी की मजबूत टीम है, वो आपके साथ है, कंधे से कंधे मिलाए अंत एग्जाम तक आपके साथ जरूर बने रहेगी। अब हमारे यूट्यूब चैनल को, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भूले ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही एक बात बता दूं, आप कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, ताकि मैं उस सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आऊं और आपको अच्छी से तैयारी करवाऊं। धन्यवाद साथियों।